तो साथियों चलते हैं हम लोग पहले सबसे पहले मराठा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आप सबके आगामी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इससे चूकिएगा मत। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या हम लोगों का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा सही कारण है, यानी मराठा जो उत्कर्ष हुए वो प्रोग्रेस हुए उनमें से कौन सा कारण था। एक दिया है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। तो मेरे भाई ये चारों सही है, मराठों के उत्कर्ष होने का ये सभी चारों कारण हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है दूसरे वाले में। दूसरे वाले में है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो मेरे भाई शिवाजी ने, जो शिवाजी आप लोग को पता होगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने मुगलों को शलहार के युद्ध में हराया था। तो आप सबको पता होगा ये शलहार युद्ध। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं ये वाला तीसरा। तीसरा कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब वे छत्रपति की उपाधि धारण किए। तो मेरे भाई शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी को हुआ था, 1627 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, और जो राज्याभिषेक किए थे अपना तो 1674 में किए थे, और राज्याभिषेक के दौरान ही वो छत्रपति की उपाधि धारण किए थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1680 में हुई थी। तो चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर, क्या है इसमें देखिए क्या है। शिवाजी ने मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो पता है मेरे भाई औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था एक बार, उसके वहाँ कोई मतलब किसी काम की वजह से किसी ने भेजा था, तो वहाँ उन्हें कैद कर लिया औरंगजेब ने। तो उन्हें कहाँ कैद किया, तो औरंगजेब कैद किया होगा, तो इससे लगता है हाँ ये आगरा में ही रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आगरा में। तो चलते हैं हम लोग पाँचवें पे, क्या है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो शिवाजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो रायगढ़। रायगढ़ एक महाराष्ट्र का जिला है, और यही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, और यही वो अपना राज्याभिषेक भी किया था। तो चलिए हम लोग छठवें पर, तो छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ। अभी मैंने ऊपर बताया रायगढ़ के किले में हुआ, ये मुंबई का रायगढ़ एक जिला है, वहीं पर एक किला है, तो वहीं पर ये हुआ था। तो सातवां हम देखते हैं, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो सभी पता है मेरे भाई शिवाजी के नाम में शिव है और इनके गुरु के नाम में राम है, तो शिवाजी के गुरु का नाम जो है वो रामदास था। तो अगला देखते हैं हम लोग, अष्ट प्रधान नाम का ये जो मंत्रिपरिषद थी वो किसके प्रशासन में थी। तो मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मराठों ने अपने प्रशासन में एक अष्ट प्रधान नाम का मंत्रिपरिषद, जैसे आज एक मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री को, उसमें तमाम मंत्री बनते हैं, वो अपने अपने विभाग के मालिक होते हैं, तो उसी प्रकार से मराठा ने अष्ट प्रधान नाम की, आठ मंत्रियों का एक समूह था, इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, जैसे धार्मिक मामलों का प्रमुख, और फिर ऐसे ऐसे करके जो विदेशी नीतियों से संबंधित ऐसे करके था, तो ये अष्ट प्रधान नाम का मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन से था। अगला देखते हम लोग, शिवाजी के समय शरणौबत का पद किससे संबंधित था। शरणौबत का पद किससे संबंधित था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो ये था सैन्य प्रशासन से, इससे संबंधित था ये। तो दसवां हम लोग देखते हैं, दसवें में क्या है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसे मतलब क्या नाम दिया गया था। तो हमें पता है मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया अष्ट प्रधान में आठ मंत्रियों का समूह था, और जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। और सचिव जो कागज पत्तर वाला काम, लिखा पढ़ी वाला देखता है, तो उसे सचिव कहा जाता था। पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। और पंडिता राव, इसमें नाम पंडित है, इससे लगता है ये धार्मिक मामलों के मंत्री रहे थे, धार्मिक मामलों के। तो ये हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं ग्यारहवें में। ग्यारहवा कह रहा है कि अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। अभी वही ऊपर बताया मेरे भाई, ये शिवाजी के, यानी शिवाजी मराठा संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बारहवां देख लेते हैं अपना, बारहवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, शिवाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो पता है जब शिवाजी मरे
तो उसके बाद जो है संभाजी इनके उत्तराधिकार बने, इसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय और शाहू आए, और उसके बाद जो सबसे प्रमुख और प्रमुख सबसे एक कह सकते हैं सबसे मजबूत बन के आया एक शिवाजी का प्रमुख, वो बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया और उसे जो है एक अच्छे लेवल पर ले गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका। 13वां क्या है हमारा, इसे थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसे हमें व्यवस्थित करना है, कौन सा शासन पहले किया था, कौन सा बात किया है, इसे ऑर्डर में सेट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमें पता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आए थे, ये बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ आए, इसके बाद बाजीराव आए, और अंत में सबसे अंत में हमें पता है ये माधव राव थे, और सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, तो इससे हमें लग गया कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, तो इतने समय पता चल गया। तो अगला देखते हैं हम, 14वां क्या है, इसमें सही क्रम इसमें भी बताना है, छत्रपति साहू जी और संभाजी, राजा राम और शिवाजी द्वितीय, तो इसमें संभाजी सबसे पहले थे, तभी मैंने बताया शिवाजी के बाद ये संभाजी आए थे, और संभाजी के बाद ये राजा राम आए थे, तो ये पर ये पहले हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा, और ये शिवाजी द्वितीय थे, और अंत में ये साहू जी थे, तो कौन सा हमारा इसमें हो जाएगा, संभाजी यानी तीन पहले होना चाहिए और सबसे अंत में ये साहू वाला होना चाहिए एक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हम लोग अपने 15वें पर, 15वां थोड़ा सा बड़ा है, और अंत में 17वां हमारा अंतिम क्वेश्चन ये मराठा वाला होगा, तो थोड़ा सा हम इसको जो है छोटा करते हैं। हाँ अब सही है, तो देखिए क्या है हमारा, 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, क्या ये सही है गलत है, हमें ये कथन कारण वाला है, इसे बहुत ही अच्छे से समझकर और बताना होगा। तो ये बात तो सही है, 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, क्यों, इसका कारण क्या था, साहू के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो ये दोनों सही है, तो इसका मतलब ए और आर, इसका कारण भी है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए जो है ए और आर दोनों सही हैं, और उसका कारण भी है आर। तो चलिए हम लोग 16वां देख लेते हैं, किसके समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना, तो ये किससे समय से था, ये मेरे भाई बालाजी विश्वनाथ, इसी के समय से मराठा नाचीज हो गया, उसके बाद ये पेशवा का ये धारण किया और मराठा साम्राज्य को एक चरम अवस्था तक पहुंचाया इसने। और हम लोग देखते हैं अब 17वां हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है ये मराठा से, उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया से सभी सवाल होंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ऑप्शन नंबर डी ताराबाई, ताराबाई के हाथों में था। तो चलते हैं हम लोग अब ये मॉडर्न इंडिया से प्रश्न हमारा है उसको देखते हैं, 17वें पर देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर के तिलक की अर्थी उठाई, तो ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है मेरे भाई, कि कौन से वो मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की जब 1920 में मृत्यु हुई थी तो किसने उनकी अर्थी उठाई थी, शौकत अली ने उठाई थी, मोहम्मद अली शौकत अली ये दोनों भाई थे, तो शौकत अली ने उठाई थी, कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद अली भी उठाए थे, लेकिन जो एक प्रश्न में आंसर देता है वो शौकत अली को हो, तो आप शौकत अली ही लगाइएगा। 18 में देखते हैं क्या है, 18वां देखें, निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, उत्तराखंड में पूछा गया था 2003 में, तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे, तो वही बात जिसे मैंने बताया, कांग्रेस के दुश्मन सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, यही, तो बाकी सभी जो है कांग्रेस से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये कांग्रेस से संबंध नहीं थे। 19वां देखें, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत बेचारे प्रयास किए लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका, और बाकी सभी यानी बेसेंट 1917 में हो गई, लाल लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू सभी हुए, लेकिन यही नहीं हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है ये। तो चलते हैं हम लोग अपने अब 20वें सवाल पर, लाल किला मुकदमा के
कौन सा संबंधित नहीं है। अभी मैंने बताया लाल किला मुकदमा जो है दिल्ली के लाल किला में चलाया गया था, किनके ऊपर चलाया गया था, तीन व्यक्ति थे, गुरुबख्श सिंह, ढिल्लो, सहगल, शहनवाज। तो यहाँ ढिल्लो नाम नहीं दिया, इनके नाम का आगे ढिल्लो भी लगना चाहिए। तो ढिल्लो, सहगल, शहनवाज, ढिल्लो हो गया, सहगल हो गया, शहनवाज हो गया, भगत सिंह। भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे लाल किला मुकदमा से, बाकी ये तीनों थे। तो इसका एक टिक होता है ढिल्लो, सहगल, शहनवाज, DSS। तो आगे चले हम लोग, देखते हैं कब चलाया गया था ये मेरे भाई, ये लाल किला मुकदमा। आप लोग ये कमेंट में बताइए, तो लाल किला मुकदमा कब चलाया गया था। आपको ऑप्शन दे रहे हैं 1944 या 45, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 वाला देखते हैं क्या है इसमें। 21 वाले प्रश्न में कह रहा है करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित था। तो हमें पता है मेरे भाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस समय करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया। तो लोगों ने पूछा बापू जी ये करो या मरो क्या? उन्होंने कहा तो या तो हम आज़ादी के लिए इतना संघर्ष करेंगे, हम आज़ादी ले लेंगे, या तो हम संघर्ष करते हुए मर जाएंगे, लेकिन ये गुलामी की ज़िंदगी हमें नहीं जीना है। तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। 22वां हम लोग देखते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो दो चार एग्जाम में न पूछा गया हो। तो 22वां हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष मेरे भाई एनी बेसेंट हैं। अगर यहीं दिया होता भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाता, क्योंकि एनी बेसेंट जो है ये भारतीय नहीं थी, 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो चलते हैं हम लोग आगे, अगर यहीं पर प्रथम भारतीय महिला दे दिया था तब सरोजिनी नायडू होती, लेकिन सरोजिनी नायडू नहीं होगा, यहाँ एनी बेसेंट होगा। 23वां हम लोग देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो आ गया वही ऊपर वाला ही सवाल है, जस्ट प्रथम भारतीय महिला आ जाएगा तो सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? 1925 में, कहाँ हुआ था? कानपुर में। तो याद रखिएगा आप लोग, कानपुर में हुआ था। अगर यही भारतीय न होता तब एनी बेसेंट हो जाता। तो चले हम लोग 24वां देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये तो गलत है। अगला इसका अगले पेज पर है और कथन, तो ये कथन तो गलत हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं और कथन क्या कह रहे हैं। और दिया, हाँ यहाँ पर हम लोग आ गए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, वो तो गलत हो गया पहला, तो यानी पहला जब गलत हो गया हमारा, पहला जब गलत हो गया तो इसका मतलब एक जिसमें होगा वो गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था, सही बात है, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 1986 में हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था, ये सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, सही बात है। यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी सही है। तो चले हम लोग 25वां देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, यह UPSC मेंस में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। तो महात्मा गांधी जब आपसे ऐसे तरीके से पूछे किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूँगा, या किसका कथन है, किसका नारा है, तो अब बाल गंगाधर तिलक कब कहे थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए हम लोग 26वें पर, क्या कह रहा है 26वें वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बारे में कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कौन सा सही है, तो बताओ कौन सा सही है। पढ़े हम लोग, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, मेरे भाई गलत। जब ऐसा कहे प्रथम भारतीय महिला थी तब सही, प्रथम महिला मतलब एनी बेसेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले बनी थी 1917 में, सरोजिनी नायडू तो 1925 में बनी थी कानपुर वाले में,
तो ये गलत हो गया। तो एक जिसमें होगा वो हमारा गलत हो गया। इलिमिनेशन आप लोग लगाना सीखिए, इससे कम मेहनत में आप लोग अच्छा जो है आउटपुट पा जाएंगे। तो एक इसमें है ये गलत हो गया, एक इसमें है ये गलत हो गया, अब हमारा मेहनत कम हो गया, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। सी आर दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो वे जेल में थे, ये भी सही बात है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओई ह्यूम कहा जाता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे मेरे भाई, अल्फ्रेड वेव 1984 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सही है गलत है ये हमें बताना देखना है। तो 26वां क्वेश्चन हमारा ये जो है हमारा हो जाएगा इसके हिसाब से बी वाला। तो 2 और 4 केवल सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही बात है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर अपने। 27वां देखते हैं कहाँ है। किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को की शांतिपूर्ण समाप्त होने में सहयोग कर सकूं। तो ये मेरे भाई इसका कथन था वही जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन, ये कांग्रेस से बहुत जलन रखता था, यही कहा था कि मेरी इच्छा है कांग्रेस को लड़खड़ा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं कांग्रेस को समाप्त होते हुए अपनी आँखों से देख सकूँ। ये UPSC मेन्स 2002 में पूछा गया है। अब देखो 28वां में क्या कह रहा है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वो कौन थे। 28वां में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, किसने थे। तो इसमें कौन सा था मेरे भाई आप लोग ज़रा बताइए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने इसी का वकालत किया था। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए कितनी बार पूछा गया ये सवाल, ध्यान से देखिए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो मेरे भाई महात्मा गांधी जी ने, ये सुझाव दे रहे थे। कई लोग यह आंसर देते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था, लेकिन जो ऑथेंटिक आंसर में है वो महात्मा गांधी माना जाता है। महात्मा गांधी जी का यह सुझाव था कि आज़ादी जब मिल गई है तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनमें से उनके सहयोग के लिए चुना था। तो हमें पता है मेरे भाई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, यानी नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनकी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया 1919 में। कहाँ किया? अमृतसर में किया, पंजाब के अमृतसर में। और उस समय गांधी जी ने कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किनका सहयोग, मतलब उनके सहयोग के लिए चुना था। तो ये चुने थे मेरे भाई, इसमें था एक तो केकलर साहब थे, एक केकलर थे, और इसमें एक सीआर सेन थे। तो ये दो लोगों के चुने थे। तो चलते हैं हम लोग 31वें क्वेश्चन पर, 2-4। तो ये हो गया आंसर, आगे देखते हैं हम लोग 31वां में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया। नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन मेरे भाई? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत यानी जो राजे रजवाड़े थे उनके प्रति अपनी नीति घोषणा किया। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था मेरे भाई? 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था मेरे भाई? सी बी आर सी विजय राघव चेरियार। किसने किया था? सी विजय राघव चेरियार। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। मेंस UPSC मेंस में पूछा गया है ये। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, नित्यानुसार उनसे क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो कब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुए इसको ऑर्डर में सेट करना है, सबसे पहले कौन हुए इसके बाद कौन हुए। तो आप सबको पता होगा ये महात्मा गांधी हुए 1924 में बेलगांव, 1924 में ये महात्मा गांधी जी हुए।
जवाहरलाल नेहरू 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में, वल्लभ भाई पटेल 1931 में हुए कराची अधिवेशन में, श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में हुई लखनऊ अधिवेशन में। तो आप लोग पता कर लीजिए कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद हुआ। तो सरोजनी नायडू वाला सबसे पहले हुआ, ये चार पहले आएगा। तो देख लीजिए चार सबसे पहले किस में है, डी में है। तो हो गया, इससे हमारा काम आसान हो गया, 32वां का आंसर हो गया हमारा, सी वाला हो गया। तो एक महात्मा गांधी 24, नहीं सॉरी सॉरी, महात्मा गांधी का सबसे पहले, क्योंकि ये 24 में था। तो सबसे पहले एक रहेगा, उसके पहले 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सरोजनी नायडू बाद में हुई थी। तो चलते हम लोग अब अपने 33 वाले पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, अभी मैंने बताया मेरे भाई, बेलगांव अधिवेशन 1924, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल, यूपी आरओएआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। 34 वाले में देखिए क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पता है मेरे भाई 1938 और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, 1938 में हरिपुरा था और 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस थे। तो 38 वाले में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो ये चीज़ याद रखिए। और 39 वाला भी त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के जो नाराज़ होने के कारण उन्होंने इसकी त्यागपत्र दे दिया। 35 वाला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा। तो मेरे भाई अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो चलते हम लोग अपने 36 वाले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने कथन दिया कि आगे की तारीख का चेक था, यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी इंग्लिश में इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। तो किस योजना के संबंध में गांधी जी ने कहा था मेरे भाई, क्रिप्स मिशन योजना जो 1942 में आया था, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था। तो जो पहले कहा कि हम आप लोग हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, उसके बाद हम लोग यह तय करेंगे, चुनाव सभा बनेगी, आज़ादी मिलेगी। तो इसी से लेकर एक महात्मा गांधी ने वक्तव्य दिया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 36वां का हो जाएगा। चले हम लोग 37 में। क्या कराए, जनगण मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, पहली बार किस अवसर पर गाया गया था मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 96 में। बिल्कुल सही जवाब, यही है पहला, यानी 96 में, 1996 हमारी जन्मतिथि है मेरा अपना, तो इसके जस्ट 100 साल पहले, तो मुझे याद है ये, इसके 100 साल पहले कांग्रेस का अधिवेशन में ये जनगण मनगण गाया गया था। ये मैं बहुत पहले से ये याद है मुझे, तो ये गाया गया था। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था, कहाँ किया था, तो मेरे भाई इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, वो उनका नाम नारायण करके था। इसका 1996 में इसी में ये तो गाया गया था, तो जनगण मनगण अधिनायक ये वाला कांग्रेस के इसी अधिवेशन में। तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, 37-38 वाले में। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच गए, क्या है इसमें, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं सही है। 38 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था। तो अभी मैंने बताया मेरे भाई, नागपुर अधिवेशन 1920 जिसमें भारतीय रियासतों के प्रति घोषणा हुई थी, इसी में नागपुर अधिवेशन में, तो इसी में सी विजय राघव चेरियार, जिनको जो है CBR कहा जाता है, CVR चेरियार। तो चले हम लोग 39 पे। 39 देखिए हमारा सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करने और सवाल करने में बहुत मज़ा आता है, और बड़ी बात यह है कि ये RO AR में पूछा गया है मेंस में। क्या है, पहला में हमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष का कुछ नाम दिया गया है, और दूसरे में दिया गया है डेट दिया गया है, बताइए कब किसने, मतलब किसने किया कब किया। तो यही इसी को हमें मैचिंग कराना है। हमें सब पता है 1940 का अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया रामगढ़ में, सरोजनी नायडू
कानपुर 1925 से संबंधित थी, एकदम सिंपल सवाल। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, और बचा है एक राजेंद्र प्रसाद, ये जो है बम्बई 1934 में। तो हमारा कौन सा बन रहा है, ए हमारा 4 पे होना चाहिए और बी हमारा 3 पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, पहले से ही पता लग गया, सिंपल सवाल था, बहुत इम्पोर्टेंट। चले हम लोग अब 40 पे, 40 वाले में देखे क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाँ अब सही है, क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, जब कृष्ण मिशन आया मेरे भाई 1942 में कृष्ण मिशन आया था, तो ये जो है उसके साथ वार्ताकार कौन थे, जो सबसे ज्ञानी टाइप के आदमी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी यही होगा इसका 40वां का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही लोग, क्योंकि नेहरू भी बहुत वकालत कहते थे और मौलाना आज़ाद भी बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी थे, यही लोग उसके साथ डिबेट किए थे। तो IAS 10 में पूछा गया ये सवाल है, तो चलते हम लोग 41 में देखते हैं क्या है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था, हमें पता है मेरे भाई उग्र राष्ट्रवाद के मतलब जो गर्म दल के से, कांग्रेस जो है 1907 में नरम और गर्म दल में बट गई, यानी जो उग्र विचारधारा के, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, और एक जो अनुनय निवेदन प्रतिवेदन के विचारधारा के थे। तो इसमें पूछ रहा है उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से कौन नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये मेरे भाई उग्र वाले में नहीं थे, ये अनुनय विनय निवेदन वाले में थे, बाकी लाल पाल गोपाल तिलक ये सब जो है ये गर्म दल से संबंधित थे, क्रांतिकारी यानी उग्र व्यक्ति थे ये, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्र नेताओं में नहीं थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये यही जो है उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है, इस प्रश्न के हिसाब से उग्र राष्ट्रवाद से नहीं संबंधित हैं, बाकी ये तीनों हैं। UP RO में पूछा गया ये सवाल है। अब हम चलते हैं 42वें प्रश्न पर, देखते हैं कितना बार ये देखो पूछा गया प्रश्न है। 42 में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने, किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है, अभी ये पूछा था किसको जो है गर्म दल पर नहीं जाना जाता था, पूछ रहा किसको नरम दली तौर पर नहीं जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक इन्हें, ये उग्र टाइप के थे, इनको गर्म दल के मतलब तौर पर जाना जाता था, नरम दल से नहीं, और बाकी सभी दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु जी थे, MG रानाडे ये सब बेचारे जो है एक मतलब नरम दल से संबंधित थे, शांति विचारधारा के थे, मतलब क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं थे, ये बाल गंगाधर तिलक उग्र यानी नरम दल से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये गर्म दल से संबंधित थे। 43 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो मेरे भाई ये बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में एक गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दो बड़े जो है एक ऐसा मतलब उत्सव का मतलब ये बनाया जो आगे चलकर ये राष्ट्रीय उत्सव बन गए, जो पूरे भारत में बड़े त्योहारों में से बड़े उत्सव में से जाने जाने लगा। तो चलते हम लोग आगे 44, IAS 15 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ, भी मैंने बताया मेरे भाई सूरत ये बंगाल विभाजन करजन ने किया 1905 में और इसके चलते राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को कुछ लोग कहते थे नरम दल जो गर्म विचारधारा के थे वो कहते थे कि इसको दूर तक ले जाया जाए, मतलब अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रदेशों में, लेकिन जो नरम दल वाले थे वो उसको सीमित रखना चाहते थे, तो इसी के लेकर उनमें फूट पड़ी और कांग्रेस जो है जो 1907 का अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, सूरत में हुआ, तो वहीं से कांग्रेस दो फूट हो गया, एक नरम दल एक गर्म दल। तो ये पूछ रहा है कि किस आंदोलन के कारण, तो मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन के कारण, अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था तो बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था। तो चलिए 45 में क्या है, निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया,
तो किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ जो नरम दल वाले हैं, ये अंग्रेज़ों के सामने अनुनय विनय का निवेदन करते हैं, जिसके कारण कुछ मिलता उलता है नहीं, सिर्फ जो है ये लोग हाथ पर जोड़ते रहते हैं। तो महात्मा ये बीजी तिलक भी, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 46 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रीधा सीतारमैया को पराजित किया था? हमें पता है सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर ये 1939 में त्रिपुरा में भी अधिवेशन के लिए चुने गए, लेकिन इनके सामने महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। फिर भी महात्मा गांधी के समर्थन होते हुए भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह हमारी हार है, जिसके कारण बहुत विरोध होने लगा और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहाँ से, ये किसकी बात है? त्रिपुरा अधिवेशन 1939। अब आगे चलकर हम लोग देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है, आगे पूछा भी जाएगा। तो एक अंग्रेजी पत्रकार था वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन जो हम लोग मनाते हैं वही वाला वेलेंटाइन चिरोल नाम का एक व्यक्ति था जो पत्रकार था, तो यही कहा था उसने। आगे देखते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सियार दास, बी सी पाल, बी जी तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, सियार दास, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सियार दास, ऑप्शन नंबर बी 48वें का हमारा ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था मेरे भाई? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पता है मेरे भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ 1940 में, तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, और दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, IAS 9 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं 50वां, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया, वही ऊपर वाला सवाल है, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही, कितनी बार पूछा गया है। आगे चलो हम लोग देखते हैं, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला चौधरी रहमत अली और उसके कुछ साथियों ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। 52 में क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने किया था मेरे भाई, यह बताना है कि महेंद्र प्रताप, राजबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। UPPCS 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ये महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर ए, विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया। ये कामागाटा मारू प्रकरण प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? ये एक जहाज का नाम है, तो ये एक जलपोत के कारण, कामागाटा मारू प्रकरण, इसको मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइए ये घटना क्या हुई थी कामागाटू। तो मैंने बता दिया, एक जलपोत यानी जो पानी का जहाज है उससे संबंधित है कामागाटा मारू, तो यह क्या हुआ था, चंद छोटे शब्दों में आप लोग कमेंट में बताइएगा। 53 हो गया हमारा, 54 को देखते हैं। 54 में देखिए क्या है मेरे भाई, हमारा सिंपल सा सवाल है, बहुत बढ़िया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905, यहाँ आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 1905 है, 16 अक्टूबर 1905 किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि बंगाल का विभाजन हो गया था और उस विभाजन को अप्लाई कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम लोग, कौन किया था ऑप्शन, अगर आपसे पूछे तो करजन, करजन बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का आदमी था, अलग तरह का एक वो था व्यक्ति, वायसराय, जिसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस को मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ, मेरी यही अंतिम इच्छा है। और करजन की एक बात और मेरे भाई फेमस चीज़ है, उसने भारत की जो विरासत है जो और धरोहर है उनको बचाने का कार्य किया था, उनके लिए पैसा वैसा खूब दिया था। 55 देखें,
बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, अभी मैंने बताया लॉर्ड कर्जन ने, कब किया 1905 में किया, अप्लाइड कब हुआ वही ऊपर वाला 16 अक्टूबर 1905, इतनी बार पूछा गया है ये। और लॉर्ड हार्डिंग, ये राजधानी को दिल्ली परिवर्तित किया गया था इसी के द्वारा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वहाँ का वायसराय तो कर्जन था, लेकिन वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयूज़ फ्रेजर नाम का एक अंग्रेजी था, तो यही गवर्नर था। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो मेरे भाई ये जो बात की जा रही है यह बात रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, आर्यन टैगोर के बारे में। आर्यन यानी जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस समय कपड़ों की होली जलाई रही, शराब की दुकानें जलाई जा रही थी, लूटी जा रही थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई ये तो अंग्रेज हमें बेच चुके हैं, ये हमारी कमाई का पैसे का ये सब सामान है, अब इसे जलाने से क्या फ़ायदा। तो ये स्वदेशी आंदोलन के ये आलोचक थे, और ये कुछ पूर्व और कुछ पूर्व की संस्कृति और कुछ पश्चिमी संस्कृति मिलाकर फेंट कर एक अलग तरह की संस्कृति के समर्थक थे, यानी कह सकते हैं पूर्व और पश्चिमी के दोनों का संबंध समर्थक थे ये आर्यन टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो किसने यह सुझाव दिया कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, तो किसने किया था मेरे भाई, कृष्ण कुमार मित्र ने, के मित्र, ऑप्शन नंबर बी, 58 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 59 देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, सुभाष चंद्र बोस 1938 में, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी 1938, कहाँ हुआ था ये, हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में भी हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन में, जो महात्मा गांधी से विवाद हो गया था। आगे देखते हैं क्या है, सभी प्रश्न मेरे भाई पूछे गए हैं, आप बहुत ही देखेंगे तो आप को यहीं से घूम फिर के ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या है अब 60 वाला में देखें, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, तो यही है, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर ये 60 का हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 61 देखते हैं क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, कब तक बना रहा मेरे भाई, 1911 तक, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आया तो दिल्ली दरबार लगा, जिसमें दिल्ली को राजधानी बनाया गया कलकत्ता से हटाकर, दिल्ली कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाया गया, तो उसी समय यह रद्द किया। तो 1911 के शाही दरबार में लॉर्ड कर्जन का अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, तो 61 वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का ये प्रश्न। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर 62 में देखते हैं क्या है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई, श्रीनिवास शास्त्री, चिदंबरम पिल्ले, या राजगोपालचारी, या चिंतामणि। तो ये जो हमारा 62 वाला है तो इसका सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, चिदंबरम पिल्ले ने किया था मद्रास में। आगे चले हम लोग देखते हैं 63 में, सभी प्रश्न आए हुए मेरे भाई, आप लोग अच्छे से एक बार इसका मंथन करेंगे तो आपको इसको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगेगी। तो आगे देखते हैं 63 वाले में, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो दिल्ली में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे, बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह सरहैयद, रजा ने, किसने किया था, 63 वाला ये जो हमारा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो सैयद हैदर रजा ने। तो चले हम लोग पूना पैक्ट 64, पूना पैक्ट किससे संबंधित था मेरे भाई, दलित वर्ग से संबंधित था, क्योंकि भीमराव, पूना पैक्ट किया था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के मध्य एक समझौता था जो 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को
अलग निर्वाचक मंडल देने के लिए, जैसे कि दलित के लिए सिर्फ दलित ही, जैसे मुस्लिमों के लिए आया था तो 1909 वाले अधिनियम में, तो उसी तरह भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए भी चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि दलित जो है हिंदू वर्ग से बाहर हो जाएंगे, तो उन्होंने विरोध, उस समय वो यरवदा जेल में ही थे, वहाँ पर उन्होंने अनशन कर दिया, आमरण अनशन, इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो पूछा जाता है सवाल, गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था, तो कम्युनल अवार्ड के समय। तो यही पूना पैक्ट जो था ये दलित वर्ग से संबंधित था, किसके बीच, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। चले अब हम लोग देखते हैं 65 में स्वदेशी की भावना से ओतपोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित नथों में से कौन सा सही है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसको हमें बताना है 65 वाले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, लियाकत हुसैन ने बारीबल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का उनका नेतृत्व किया, पता नहीं ये सही है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। चलो अगला पढ़ते हैं, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया, तो सही है, तो हमें गलत पूछा है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये भी सही है। तो इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन ए, तो ये गलत पूछा है, तो ये सब तो सही हैं, तो इसका मतलब ये सब नहीं होंगे, होगा यही जो गलत है, तो हमें नहीं आ रहा था, लेकिन ये तीनों आ रहे थे तो मैं इसको पकड़ लिया, हाँ यही होगा। 66 वाला देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, स्वदेशी आंदोलन मेरे भाई से संबंधित कौन सा एक कथन गलत है, कौन सा संबंधित नहीं है, उसे पढ़ना है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, 66वां का ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सही है, क्योंकि सभी मुसलमान नहीं, कुछ विशिष्ट मुसलमान ही बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें शामिल हुए, तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, सवाल महत्वपूर्ण है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, ये भी सही बात है, स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए, सही है, ये किसानों से उतना समझ नहीं था उनको, तो किसान में भी उतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाए, ये भी तो सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, नहीं भाई, ये बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी जा फैला था, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था, पूरे भारत को लगभग प्रभावित किया, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का भी सवाल, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार मेरे भाई, H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे, 67 वाला हमारा ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, किससे जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये पत्रकार थे ब्रिटिश पत्रकार। तो 68 वाला देखते हैं हम लोग क्या है, देखने में भारी भरकम है लेकिन बहुत ही सरल सवाल है, IAS 2010 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया, यानी नरम दल और गरम दल विभाजन हो गया, कब हुआ, सूरत कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था, तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, बॉयकट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी, कौन सा इसमें एक नहीं था, ये हमें बताना है 68 वाले में। तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल विभाजन को रद्द करने की कोई बात नहीं थी इस संकल्प में, बल्कि बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी जैसे ये सब थे, आप तो यही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। कितना कंसेप्चुअल सवाल था, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य क्या कारण था, तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो उसका क्या कारण था, तो इसका कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो स्वदेशी आंदोलन था तो इसको नरम दल और वाले मतलब सीमित रखना चाहते थे, और जबकि जो गर्म दल वाले थे ये इसको अन्य क्षेत्रों में ले जाना चाहते थे, इसलिए विभाजन हो गया। और कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि ये जो कांग्रेस की अध्यक्षता गर्म दल वाले चाहते थे हमारे में से कोई हो, और नरम दल वाले अपने में से किसी को बनाना चाह रहे थे, तो इसके लिए फूट पड़ी, तो यही है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का प्रवेश कराना गलत, ये नहीं हो सकता। अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास का अभाव, ये भी नहीं है।
अगला देखते हैं, अगले ऑप्शन पेज पर क्या है, 69। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी नहीं है इससे संबंधित नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, तो यही डी होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने जो दो घटनाएं आपको बताई यही डी होगा। तो इसमें ऑप्शन आंसर में तो बी दिया है, लेकिन ये इसमें से कई सारा इसमें मतलब सवाल इसमें दोनों दिया है, मतलब इसमें स्टार लगा के दे दिया था आंसर में कि बी होगा या तो डी होगा, हमारे हिसाब से डी होगा, आप अपना ओपिनियन बताइए। तो 70 में क्या है देखते हैं, ये IS 16 का सवाल था ये ऊपर वाला, आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग तो ये लगा देंगे जिन्ना पर, जिन्ना नहीं थे। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 71। तो साथियों चलते हैं, हम इसे 70 तक ही रहने देते हैं।